और मेरे शेरों क्या हाल चाल है। अब शेरों वाली काम करना, नीचे जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज है दोस्तों आपके लिए रुक की तरफ से आने वाला BTG न्यू, जो आपने डिमांड किया था और हम कैसे छोड़ सकते भाई। आपने अगर कमेंट कर दिया भाई इस प्रोडक्ट को रिव्यू करना है तो भाई हम तो रिव्यू करके रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को चेक करते हैं और पूरा प्रोडक्ट को जानते हैं, और मैं आपको जो ना फर्स्ट इंप्रेशन अनबॉक्सिंग इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके पहले के हमारे जो है ना अलग अलग TWS को वाइब कमाल का, इसका भी हमने करके रखा है, स्टॉर्म भी करके रखा है, BTG 3 भी करके रखा है, और लेटेस्ट जो है Active 4 भी करके रखा है। इन सभी का वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कर लेना, चैनल पे इसलिए सब्सक्राइब कर लो, फायदे में रहोगे, आपका पैसा बचेगा। तो चलिए दोस्तों इसको अब शुरू करते हैं। आप देखो बॉक्स कंटेंट अगर मैं दिखाऊं तो भाई ऊपर की तरफ से मैं आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से ब्रांडिंग आ जा रहा है। एंड अब इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर में हमें माल मसाला एक्चुअली मिलता क्या है। जैसे बॉक्स को हम ओपन करते हैं और ऊपर की तरफ देख सकते हो यहाँ पे जो है ना ट्रूक की ब्रांडिंग आ जाता है, BTG Neo लिखा गया है और अल्ट्रा लो लेटेंट इसके हाथ में गेमिंग स्पेशलिस्ट है। तो गेमिंग के भाई चस्के लेना है तो भाई ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए बेस्ट है। एंड यहाँ पे भाई अपना ब्रांडिंग वगैरह दे दिया और यहाँ लिखा है पावर ऑफ द ट्रू बीट्स, बजेंगे भाई कान में झनकार बजेंगे। और पीछे की तरफ से फलाना ढिमकाना दिया जो मैं आपको आगे बताता हूं। एंड गाइस जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं भाई साहब ये देखो सीधा आपके सामने ये पूरा TWS का सेट आ जाता है। पहले तो हमें मिल जाता है 2 ईयरबड्स, इसको हम साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेन माल मसाला, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। अब अंदर भैया क्या है, खाली बॉक्स है? नहीं भाई, अंदर अभी और सामान है। अभी जैसे ओपन करते हैं गैस एक यूजर मैनुअल, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपका भाई समझा देगा। और ये भैया एक और लास्ट कुछ तो है, ये है आपकी वारंटी कार्ड। तो गैस सबसे पहले हम जो है ना बात करते हैं इस TWS के बारे में, और इसका रैप मैं निकाल देता हूं। इस तरह से भाई रैप निकल जाता है और गैस जैसे इसको ओपन करते हैं गैस ये देखो चमचमाता हुआ RGB। तो गेमिंग के चस्के लेना है ना भाई, सही है। और इसको मैं जो है पिछले 2-3 दिन से यूज भी कर रहा था, तो एक लाइट सा रिव्यू भी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं गैस इस TWS जो कि ईयरबड्स है, गैस अगर हम इसको कान में लगाते हैं ना भाई अभी तक जो है ना बहुत ही कंफर्टेबल है। एंड आपको पता ही होगा अगर मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हो तो हमने अलग अलग ग्रुप का रिव्यू वगैरह किया, तो ग्रुप वाले जो है ना हमेशा मेरे कानों में तो बराबर से फिट होते कि मेरा कान थोड़ा बड़ा है। अब आपका थोड़ा छोटा होगा तो मैं जो है ना रेकमेंड करूंगा ये वाला जो कि रेडमी की तरफ से है, तो रिसेंटली हमने जो इसका वीडियो भी डाला था, चेकआउट कर लेना। बाकी गैस ये जो है बहुत ही कंफर्टेबल फिट हो जाता है। एंड इसके साथ में आपको जो है एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलेगा। तो हमने भैया बॉक्स में डालना भूल गए, ये एक्चुअली बॉक्स में आता था, हमने देखो टेस्ट करने के लिए हमें निकालना पड़ता है, तो ये मिस है। तो आपको एक एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल जाएगा। ये भैया ये चार्जर केबल, तो ये दोनों भी एक्चुअली बॉक्स में था। बेसिकली जो ना ये रेडमी वाले में चार्जिंग केबल नहीं देता, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, बट इस वाले में गैस चार्जिंग केबल मिलता है, आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिलता है और साथ में ये पूरा आपको ये बंडल मिलता है। एंड गैस अब यहाँ पे देखो गैस जैसे ही ओपन हो जाते हैं यहाँ पे देखो आपको जो है पूरे RGB के चस्के मिल जाएंगे यहाँ पे एकदम राउंड सा ग्रीन कलर का, और इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली जब भी आपको पेयरिंग मोड में रहेगा या फिर जब कनेक्ट होगा और जब आप केस से निकालोगे उस टाइम आपको जलता है। जैसे देख लो अभी हमने केस ओपन किया तो यहाँ के RGB लाइट जल गया, और इसको भी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बचरते ये अपने हिसाब से बस अपने मर्जी में चलते रहता है। अब देखो जैसे हमने डाला यहाँ पे ये बंद किया ओपन किया तो ये वाला जो है ना RGB जलने लगेगा। तो ये है भाई, तो गेमिंग वाले कितने लोगों को चस्का है नीचे कमेंट करना, RGB वाले मजे लेना चाहते हो तो भाई ये वाला परफेक्ट हो सकता है आपके लिए, बट आपको आपको समझना होगा कि इसमें एक्चुअल में है क्या। तो अब बात करते हैं गाइस इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की। भाई ये वाला पूरा आपको जो है एक ग्लॉसी और मैट दोनों का मिक्सचर लग रहा है, ज्यादातर जो है ग्लॉसी डिजाइन में लग रहा है, पूरी तरह से ये ग्लॉसी भी नहीं है पूरी तरह से मैट भी नहीं है, समझ सकते हो, दोनों मिक्सचर करके डाला गया। ऊपर में आपको जो है ट्रूक की ब्रांडिंग मिल जाता है, नीचे की तरफ से जो है आपको एक चार्जिंग केस मिल जाता है, और आपको जो है RGB लाइट मिल जाता है, और ऊपर की तरफ आपको जो है टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है जिससे आप चार्जिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं गैस इसकी जो है चार्जिंग की। तो देखो गैस ब्रांड का क्लेम है करीबन 48 आवर्स का आपको जो है बैकअप ये दे देगा, और वन टाइम ईयरबड जा करके आपको जो है करीबन 8-9 आवर्स का बैकअप दे देता है। अगर आप 50-60% के एवरेज में वीडियोस चलाते हो तो आराम से भाई 8-8 घंटे खींच लेगा। अगर आप गेमिंग मोड वगैरह ANC वगैरह चलाते हो तो हल्का सा 1-2 घंटे का आपको फर्क दिखेगा वहाँ पे। एंड ओवरऑल इसको जो है करीबन 4 बार आप इसको चार्ज कर सकते हो, कभी कॉल केसेस में थोड़ा एक्स्ट्रा भी चार्ज होता है। तो अगर देखो ब्रांड जो कहते हैं 48 आवर्स,
बट उसके अलावा अगर थोड़ा भी कम भी कर लो तो भाई आराम से भाई घसीट के तुम्हें जो है ना आराम से 40 घंटे का बैकअप मिल जाएगा, यानी एक बार चार्ज करो पूरे हफ्ते भूल। अब देखो भाई ब्रांड ने तो कहीं भी नहीं लिखा है कि कितने mm का ड्राइवर्स है, बट यूजुअली इनके जो है ना 12 या फिर 13 mm के ड्राइवर्स के साथ में मिल जाता है। अगर मैंने मिस आउट कर लिया तो नीचे कमेंट में बता देना। बाकी अगर साउंड क्वालिटी बात करें तो भाई अगर हम कंपेयर करते हैं BTG 3 के साथ में तो भाई इसमें बहुत ही बड़ा मेजर इंप्रूवमेंट आया है। यहाँ पे आपको जो ना अलग अलग टाइप के ऑडियो मोड्स मिल जाता है। बेसिकली आपको क्या रहता है कि भाई आपको चाहिए गेमिंग वाले तड़के तो आप गेमिंग मोड में जा सकते हो, आपको चाहिए भाई एकदम जबरदस्त एकदम म्यूजिक वाले तड़के तो आप म्यूजिक मोड ले सकते हो। इसमें जो ना एक डायनामिक मोड दिया है जो कि स्पेशली म्यूजिक और ऑडियो को एनहांस करता है, जिसमें आपको जो ना मिड्स हो जाए, लोस हो जाए, बेस हो जाए, ट्रेबल हो जाए, सब चीज एक मॉडरेट वैल्यू में मिलता है और ज्यादातर आपको सराउंड मिलेगा। साथ में आपको एक मूवी मोड मिल जाता है जिसमें आपको जो ना वोकल्स ज्यादा क्लियर हो जाता है। इनफैक्ट देखा जाए तो डायनेमिक मोड हो जाए, नॉर्मल मोड हो जाए, हर मोड में आपको जो ना वोकल्स आपको बहुत ही क्लियर दिखाई देगा, सुनाई देगा। और इसमें डिस्टॉर्शन का इश्यू अभी तक तो मुझे नहीं आया है, हमने जो ना 80-90% के अबोव साउंड क्वालिटी में भी सुना है, बट इसका मैं प्रैक्टिकल सुन के भी आपके सामने भी अभी बताने वाला हूँ कि डिस्टॉर्शन है कि नहीं और मोड्स वगैरह में क्या एक्चुअल में रियल लाइफ टाइम में हमें जो ना डिफरेंस मिलता है। क्योंकि भैया देखो एक दो दिन यूज करते हैं बट आपके सामने लाइव यूज करके बताना मेरा काम करके पढ़ सकते हो, आई होप कि क्लियर आ रहा होगा। तो भाई इसमें जो ना आपको जो ना ड्यूअल पेयरिंग मिलता है, यानी कि आपके भैया पास मान लो एक लैपटॉप है एक और मोबाइल है तो भाई दोनों में एक साथ कनेक्ट करके रह सकते हो। दो मोबाइल यूज कर रहे हो, दो दो गर्लफ्रेंड को पटा रहे हो तो भाई दोनों मोबाइल में एक ही साथ में कनेक्ट हो जाएगा, जिससे भी निकालो जिसका भी मतलब यूज करते रहोगे उसमें ऑटो पेयर हो जाएगा, यानी कि डबल कनेक्टिविटी आपको इसमें दिया गया है। इसके साथ आपको 3 इक्वाइजर मोड देता है जिसका जो है ना मैंने बताया आपको मूवी मोड हो जाता है, डायनेमिक मोड हो जाता है और बेस बूस्ट मोड जो कि सबसे फेवरेट होता है ट्रूप की तरफ से। भैया अगर तुम्हें जो है ना धूमधड़ाम बेस वगैरह एकदम तगड़े वाला चाहिए तो भाई इसको आप आराम से कंसिडर कर सकते हो और भाई मैनुअली आप जो है ना इक्वलाइजर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा वैसे अगर देखा जाए तो इसकी कंट्रोल्स में आपको बता देता हूँ, इसका देखो कंट्रोल जो है ना आपको पूरा ही टच सेंसिटिव मिल जाता है, ये पूरा एरिया जो है ना टच सेंसिटिव, इनफैक्ट बीच में अगर टच करते हो तो इसका टच काम करता है। अगर आप लेफ्ट राइट में किसी को भी सिंगल टैप टच करते हो तो भाई प्ले ऑन पॉज कर देता है, डबल टैप करते हो लेफ्ट वाले में तो प्रीवियस सॉन्ग लेके जाता है, डबल टैप करते हो राइट वाले में तो आपको जो है नेक्स्ट सॉन्ग में लेके जाता है, ट्रिपल टैप करते हो लेफ्ट वाले में तो आपका गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी ओपन हो जाता है। अगर आप लेफ्ट वाले को जो है 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखते हो तो ये आपको गेमिंग मोड में लेके जाएगा। मतलब भैया आप अगर BGMI देखते हो या फिर पबजी वगैरह खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो तो भाई यहाँ पे आपको जो ना 40 मिलीसेकंड का आपको लो लेटेंसी मोड मिल जाता है, सिर्फ 3 सेकंड आपको जो ना ये लेफ्ट वाले को क्लिक करना होता है और गेमिंग मोड आपको एक्टिवेट हो जाता है जो कि स्पेसिफिकली डिजाइंड है गेमिंग के लिए। हमने भाई थोड़ा बहुत इसका टेस्ट करके देखा है जिसमें जो ना आपको फुटस्टेप्स वगैरह हो जाए, एनिमीज के वॉक थ्रू वगैरह हो जाए या बुलेट साउंड वगैरह जो ना काफी अच्छे से ये मैनेज कर लेता है। दोनों का जो ना स्टीरियो सेपरेशन भी बहुत ही अच्छा है, इनफैक्ट म्यूजिक में भी अच्छा है, मूवी में भी अच्छा है और स्पेशली गेमिंग मोड की बात करें तो गेमिंग में तो भाई आपको आराम से फुटस्टेप आ जाएगा। तो भैया किन कितना चिकन बिगिनर मारा है नीचे कमेंट कर देना और हमारे साथ खेलना चाहते हो तो हमारा अगर गेमिंग चैनल भी है वहाँ पे हम कभी काल लाइव कर देते हैं तो उसको चेकआउट कर लेना, इसके हम गेमिंग से आपको मिल जाएगा या फिर इस चैनल के चैनल सेक्शन में जाना वहाँ पे मिल जाएगा आपको। बाकी बस इसमें एक और नया फीचर ऐड किया गया है, अगर आप देखो जो ना इसको 5 सेकंड के लिए टैप करके रखते हो भाई पूरा सेटिंग रीसेट हो जाएगा, मतलब कमाल का है। तो रिसेट विसेट वगैरह करना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा मोड वगैरह में चलते हैं 5 सेकंड के लिए भाई नहीं एक्चुअली 5 टाइम टैप्स करना होता है, 5 टाइम आपने टैप कर लिया तो भाई आपको टोटल सेटिंग्स वगैरह रिसेट हो जाएगा। बाकी भैया इस बुक में और कुछ नहीं, इतना ही था जो माल मसाला मैंने आपको बताया। हाँ तो भाई राइट साइड में अगर जो है ना आप टैप करके रखते हो तो भाई आपको तीनों मोड चेंज हो जाएगा, एक तो आपको नॉर्मल मोड रहेगा जो कि मतलब सब चीज बैलेंस सुनाई देगा, फिर आपको मूवी मोड में हो जाएगा अगर टैप करके रखते हो तो भाई, फिर आपको डायनामिक मोड और गेमिंग नहीं बेस बूस्ट वाला मोड में आपको चला जाएगा। तो बेसिकली आपको राइट साइड वाला हल्का सा टैप करके रखना है, सिंपल सा हो जाता है। अब थोड़ा भैया इसका जो है टेस्टिंग भी कर लेते हैं। अब आप लोग कुछ भाई गेमिंग वाला क्या सीन है, गेमिंग का रियल टाइम टेस्टिंग, तो भैया इसके लिए जो ना आपको अगली वीडियो देखना होगा। अगले वीडियो में जो ना इसका हम लॉन्ग टर्म यूसेज 2-3 हफ्तों के बाद में यूज करने के बाद में ओवरऑल क्या होता है वो मैं बताने वाला हूँ। एक और डेडिकेटेड गेमिंग टेस्ट भी आपसे कर लेंगे कि कितना लेटेंसी आता है और क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पे मैं आपको जो ना एक फर्स्ट इंप्रेशन वगैरह देता हूँ। तो भाई जैसे ही आप जो है ना केस से इसको निकालते हो बाहर तो ऑटोमेटिकली अगर आपका ब्लूटूथ ऑन है फर्स्ट टाइम आपने पेयर कर लिया तो भाई ऑटोमेटिकली अंडर 5 सेकंड के अंदर में सभी यानी ट्रूप के जो है कन्वर्ट हो जाता है। अब मैंने इसको डाल लिया यहाँ पे, आप देखो कुछ फंक्शंस मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि डबल टैप किया ये जाकर के सेंटॉस में, अब देखो डबल टैप किया मैंने अगले सॉन्ग पे चला गया। अब लेफ्ट वाले को डबल टैप किया मैंने
यहाँ पे साउंड चेंज हो जा रहा है, देख सकते हो ना ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। बस यही दिक्कत है कि इसमें जो ना वॉल्यूम कंट्रोल नहीं दिया है। अगर वॉल्यूम कंट्रोल फ्यूचर में अगर ट्रू की तरफ से आ जाता है ना भाई, तो भाई धमाल हो जाएगा TWS सेक्शन में। भाई मैं अभी ना केसरिया वाला सॉन्ग सुन रहा हूँ, उसको मैं सुना नहीं सकता वरना कॉपीराइट आ जाएगा। वॉल्यूम जो है ना, जो वोकल्स वगैरह है ना, बहुत ही अच्छा खासा क्लियर आ रहा है और ऑडियो सप्रेशन भी अच्छा लग रहा है और जो मिड्स है इक्वली बैलेंस लिख रहा है, ट्रेबल वगैरह जो है ठीक ठाक लग रहा है। तो भाई हमने जो ना अभी बेस बोस्ट मोड डाल के देखा और मैंने जो ना NCS का ट्रैक लगा लिया और मल्टीपल देखा। बेस में भाई आपको तगड़े वाले थम्स मिल जा रहे हैं और अगर मैं डायनामिक की चेंज करूं तो भाई आप लोगों के लिए मैंने ना फिर से दोबारा मैंने टेस्ट किया कि कहीं डिस्टॉर्शन भी हो रहा है कि नहीं और डायनामिक में कुछ इश्यू तो नहीं हो रहा है। भाई अभी तक कुछ भी इश्यू नहीं आया, प्रॉपर चल रहा था, नो डिस्टॉर्शन पूरी तरह से क्लियर आ गया था। और इसमें जो है ना ENC मोड वगैरह भी दिया है, तो अगर आप रोड में ट्रैफिक में साउंड वगैरह में सुनते हो तो भाई आप यहाँ पे इसका मतलब जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना नॉइस रिडक्शन कर लेता है। बट रियल लाइफ टेस्ट जो ट्रैफिक रोड में होता है वो मैं आपको टेस्ट करके बाद में बताऊंगा, तो चैनल के साथ में बने रहना। और आपको कुछ किस टाइप के टेस्ट चाहिए, आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो ट्विटर इंस्टाग्राम और थ्रेड्स भी आ चुका है, थ्रेड्स में भी हम एक्टिव है, अंडर 9 मिलियन के अंदर रैंकिंग में आ गए, वहां भी फॉलो कर लेना। मैं वहां पे Q&A वगैरह डालते रहता हूँ, जो भी नए प्रोडक्ट्स आता है तो वहां पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो कि मैं आपके फ्यूचर वाली वीडियोस में कवर करूंगा। तो जैसे फुल वॉल्यूम वगैरह मैंने किया, देखो अगर आप 60% या 80% के अंडर सुनते हो बहुत ही प्लेजेंट सुनाई देता है। अब आपके आपके अलग अलग चॉइस होंगे बट 95% 100% करने के बावजूद भी डिस्टॉर्शन का इश्यू नहीं नजर आया एंड ओवरऑल साउंड क्वालिटी अच्छा आया। मैंने अलग अलग मोड्स भी चेंज करके अभी सुना और सब में जाकर के गैस अच्छा खासा क्वालिटी आ जा रहा है। तो ओवरऑल मेरी तरफ से अगर आप एक अच्छा सा गेमिंग के लिए ढूंढ रहे हो और अगर आपको जो है म्यूजिक भी पसंद है और लॉन्ग लाइफ बैटरी को जरूरत है, आप डेफिनेटली इस BTG Neo की तरफ आप डेफिनेटली रेकमेंड मैं कर सकता हूँ। एंड इसका प्राइस जब मैंने बुक किया था 1499 रुपीज में मिला था, बट ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं। आपको बेस्ट बाय लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी ओवरऑल आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको कैसा लगा ये Neo, आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। एंड गैस दूसरे और भी प्रोडक्ट्स के अगर आपको रिव्यू देखना है तो भाई चैनल पे जाकर के चेकआउट करना, ये सारे और भी प्रोडक्ट्स आता है। और आपको कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअली में देखना है वो नीचे कमेंट कर देना और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।